जीअं त PST ऐं GST टेस्ट वेझो थी चुकी आहे, तंहिंजे लाइ असां हिकु जनरल नॉलेज जो बुक आहे आलमी मालूमात उन जो मुतालो कंदासीं ऐं इनशाला इन खे महीने में कंप्लीट बि कंदासीं। इन में वॾो फ़ाइदो थींदो, थी सघे थो तव्हांजा 10 खां 15 सवाल हल थी वञनि। इन जे लाइ हाणे शुरू कयो आहे पहिरियों सवाल इस्लामियात खां, त इस्लामियात छा आहे। इस्लामियात जो सवाल आहे इस्लाम छा आहे, जवाबु आहे इस्लाम मुकमल बाज़ाबता हयात। इस्लाम अरबी बि ज़बान जो लफ़्ज़ु आहे, इस्लाम इज़ अरबिक वर्ड, इस्लाम हिकु अरबी ॿोली जो लफ़्ज़ु आहे जंहिंजी माना आहे इताद ऐं फर्म बरदारी। जंहिंजी माना छा आहे, इताद ऐं फर्म बरदारी, ओबे करणु। दीन इस्लाम अलाह ताला जी इताद ऐं फर्म बरदारी जो दीन आहे, दीन इस्लाम अलाह ताला जी इताद ऐं फर्म बरदारी जो दीन आहे। सवाल नंबर ॿियो आहे, हे पहिरियों नंबर हुयो। सवाल नंबर ॿ, ईमान जी लघवी ऐं इस्तिलाही माना छा आहे। ईमान जी जेका ॿोली में उन जी माना छा आहे ऐं इस्तिलाह माना वज़ाहत में उन जी माना छा आहे। ईमान जी लघवी माना लुगत अरब खे लुगत माना ॿोली लुगत जी माना आहे ॿोली, माना लघवी माना ईमान जी लफ़्ज़ी माना छा आहे ॿोली जे हिसाब सां। ईमान जी लघवी माना यकीन करणु ऐं इस्तिलाह जी माना आहे ईमान मां मुराद अल्लाह ताला जी एकड़ाई ऐं हाकमियत, रिसालत आख़िरत मुक़दस किताबनि मलाइकनि ऐं तकदीर जो ज़बान सां इक़रार करणु ऐं दिलि सां मञण खे ईमान चइबो आहे। ईमान जी इस्तिलाही ऐं लघवी माना में इहो फ़र्क़ु आहे, लघवी माना आहे यकीन करणु। ॿियो सवाल आहे, टियों नंबर सवाल आहे, तौहीद जी माना छा आहे। तौहीद जी माना आहे हिकु करणु, हिकु ठाहिणु, हिकु मञणु। इस्तिलाही माना आहे अल्लाह ताला खे ज़ात, सिफ़ात, अफ़ाल, इबादत में अकेलो करे मञण खे तौहीद सॾिजे थो। सवाल नंबर चोथो आहे, कलमा तैयब जी माना छा आहे। कलमा तैयब जी माना छा आहे, कलमो तैयब आहे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अल्लाह खां सवाइ ॿियो को बि माबूद न आहे, ऐं मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह जो रसूल आहे। सवाल नंबर पंज आहे, कलमे जा केतिरा ऐं कहिड़ा क़िस्म आहिनि। कलमा 6 आहिनि, तव्हांखे ख़बर हुजणु खपे त कलमा 6 आहिनि। नंढनि ॿारनि खे वधीक यादि हूंदा आहिनि जॾहिं मस्जिद या मदरसे में पढ़ंदा आहिनि, तंहिं करे यादि कंदा आहिनि। कलमा छा आहिनि, पहिरियों कलमो आहे तैयब, ॿियों कलमो आहे शहादत, टियों कलमे जो नालो आहे तमजीद, चौथे कलमे जो नालो आहे तौहीद, पंजे कलमे जो नालो आहे इस्तिग़फ़ार, ऐं छहों कलमो आहे रद्द कुफ़्र। कलमा 6 थींदा आहिनि, 6 कलमा आहिनि, कलमो तैयब, कलमो शहादत, कलमो तमजीद, कलमो तौहीद, कलमो इस्तिग़फ़ार, कलमो रद्द कुफ़्र। सवाल नंबर 6 आहे, अलाह जा केतिरा सिफ़ाती नाला आहिनि। अलाह जा केतिरनि नालनि सां पुकारियो थो वञे, अलाह जी सिफ़ाती नाला कहिड़ा, अलाह ताला जा नवाने नाला सिफ़ाती आहिनि। सवाल नंबर 7 आहे, शिरक जी माना छा आहे। शिरक जी लघवी माना लुगत जे हिसाब सां, ॿोली जे हिसाब सां माना आहे त हिसेदार या भाईवार। इस्तिलाही माना आहे अल्लाह जी ज़ात ऐं सिफ़ात इबादत में ॿियो कंहिंखे शरीक करण खे शिरक सॾिबो आहे। अलाह खे कंहिं ॿिए अलाह जी इबादत सिफ़ात में शरीक करण खे शिरक चइबो आहे। शिरक जा घणा क़िस्म आहिनि। शिरक जा 3 क़िस्म आहिनि, ज़ात में शिरक सिफ़तनि में शिरक सिफ़तनि जे तक़ाज़ाइनि में शिरक। सवाल नंबर 9 आहे, रिसालत जी माना छा आहे। रिसालत जी लघवी माना आहे पहुचाईंदड़, सफ़ारत, पैगाम पहुचाइणु। इस्तिलाही अहिड़ी सफ़ारत जंहिं सां अल्लाह ताला इंसान ताईं पंहिंजा शरीयत जा हुकुम पहुचाए, उनखे रिसालत चइबो आहे। रिसालत उनखे चइबो आहे जंहिं सां अल्लाह ताला पंहिंजा शरीयत मोकिले, उनखे रिसालत चइबो आहे।
सवाल नंबर दह है तो मलाइक जी माना चाहे मलाइक मुल्क जी जमा है जैसी माना है कासिद या पैगाम पहुँचाइंदड़ उसे फरिश्ता जो अल्लाह जहा हुकुम बानन वट खी अचन जे अल्लाह जहा हुकुम बानन वट खी अचन था जारी कंदा रहन था तैंखे मलाइक सके तो मलाइक कड़ी मखलूक है। सवाल नंबर यारह है मलाइक कड़ी मखलूक है जवाब है तो मलाइक एक नूरी मखलूक है। सवाल नंबर बारह है अहम मलाइकन जो नाला जिम्मेवारियों बुधाओ अहम मलाइक आन चार उन नाला है जिम्मेवारियों हज़रत जिब्रील इस्लाम जो अल्लाह जहा हुकुम रसूल ना आनंद हो जिब्रील इस्लाम बो नंबर हज़रत इसराफील अल इस्लाम जो क़यामत के ढी दूर फूकी हो टों नंबर हज़रत मीकाइल अल इस्लाम ही मीह जो इंतजाम ए खल्क के रोजी पहुँचाने जो कम कह है। हज़रत इज़राइल अल इस्लाम मखलूक की साह कढ़ के मुकर्र है। सवाल नंबर तेरह है आसमानी किताब छा है आसमानी किताब वो खुदा जो कलाम जो नबी सगुरना वही वही जिब्राइल की मार्फत मोकिलो जो वही के जरिए जिब्राइल की मार्फत अल्लाह दा अचे उनके आसमानी किताब सम। सवाल नंबर चौदह आसमानी किताब केतरा है सवाल है तो आसमानी किताब केतरा है जवाब आसमानी किताब चार है ज़बूर तेरे नंबर ते तौरात इंजील कुरान मजीद। सवाल नंबर पंद्रह है आखिरत की माना छा है जवाब है आखिरत इस्लाम जो बुनियादी अकीदन में है आखिरत इस्लाम के बुनियादी अकीदन में है। आखिरत लफ्ज की माना है कोई थींदड़ शै इतलाई माना है वो है वो डी जैसे अल्लाह ताला मोलन के रूह में के जिस्म में दाखिल कंदो खेन बीहर जरे जीरो कंदो उनके कयल अमल जो बदलो जन्नत या जहन्नम की सूरत में मिलो उन्हीं के आखिरत सदे थे। सवाल नंबर सोरह है तो नमाज छा है नमाज इस्लाम जो बो अहम रुकन है नमाज की लकवी माना है नमाज की लगवी माना है कें तरफ मुँह का वधण दुआ घुरण वेझो थियण नमाज या शर्त कड़ा सत्रह नंबर सवाल है नमाज या शर्त कड़ा नमाज या सत शर्त सत फर्ज शर्त फर्ज फर्ज भी चई सकते तो इनके नमाज या सत शर्त है बदन जो पाक हुजण जैसे बदन पाक न होंद नमाज नींदी बो नंबर कपड़न जो पाक हुजण कपड़ा भी लाजमी पाक हुजन जगह जो पाक हुजण जगह पाक हुजे ओगर ढकण नमाज जो वक्त हुजण किबले दां मुंह करण नियत करण। सवाल नंबर अठारह है तो नमाज कदें फर्ज थी जवाब है बारह फेबरवरी 610 ईस्वी में नबूवत के पहरे साल नव रबीउल अव्वल के फजर ऐं असर की नमाज फर्ज थी। नमाज जहाँ रुकन कड़ा उवी नंबर सवाल इंपॉर्टेंट सवाल टेस्ट में कम अचन या न अचन पर अक्चुअली कम अची सन टेस्ट में तेज कर घनी तवजा दिन नमाज जहाँ रुकन कड़ा नमाज जहाँ रुकन हेठा तकबीर तहरीमा अल्लाह अकबर चवण जैसा चाहबो है क्याम करण बीहण सिद्धो थी करे किरात करण कुरान पढ़ माना चौथे नंबर से रुकू करण ये सब रुकन है रुकू करण पंजो सजदो करण पंजो सजदो करण सजदो करण पंजो आए सजदो करण छो काद कादो आखिरी वेहण आखिर में जो अस पढ़ा अतहियात लिल्लाह इनके काद चो है। हाँ सवाल नंबर है वी त नमाज जहाँ घना किस्म नमाज जहाँ चार किस्म नमाज जहाँ घना किस्म इंपॉर्टेंट सवाल है नमाज जहाँ कड़ा किस्म नमाज जहाँ चार किस्म फर्ज वाजिब सुन्नत मुस्तहब फर्ज वाजिब सुन्नत मुस्तहब। सवाल नंबर इक्वी है फर्ज नमाज जहाँ फर्ज केतरा है नमाज जहाँ तेरह फर्ज आज नमाज जहाँ तेरह फर्ज आज सत नमाज का बाहर सत नमाज का बाहर छह नमाज अंदर है बहर फर्ज के शर्त अंदर के रकन चब है नमाज जहाँ पंज वक्त कड़ा कड़ा बवी नंबर सवाल इजी सवाल त नमाज जहाँ वक्त
कड़ा है नमाज जहाँ पंज वक्त है नमाज फजर जोहर असर मगरब ईशा फजर जोहर असर मगरब ईशा सवाल नंबर टेवी है नमाज जहाँ मकरू वक्त कड़ा कड़ा है नमाज जहाँ टे मकरू वक्त है सिज उभरण माल सुबह जो फजर नमाज का कुछ वक्त जो है सो तो सिज उभरण टाइम वो मकरू वक्त हों सिज लहण माल जो है सो तो असर नमाज का बाद में टाक मंझन यानी जवाल जो वक्त 12:45 के विच में इन्हीं के मकरू जवाल जो वक्त चाहबो है। वजू जहाँ घना फर्ज है वजू जहाँ चार फर्ज है सवाल है तो वजू जहाँ घना फर्ज है जवाब है तो वजू जहाँ चार फर्ज है वजू जहाँ चार फर्ज है वजू की केतर सूरत हैं सवाल है तो वजू जो केतर सूरत हैं सवाल नंबर 25 है वजू जो 13 सूरत हैं वजू जो 13 सूरत हैं सवाल नंबर 26 है तो वजू जहाँ घना मुस्तैब हैं मुस्तैब वजू जहाँ 6 हैं वजू जो वजू जहाँ घना भंजीदड़ हैं वजू जहाँ भंजीदड़ 6 हैं भजन में टुटी कड़ी शय से वजू टुटी सके तो उनके सवाल नंबर 27 है वजू जहाँ घना भंजीदड़ हैं जवाब वजू जहाँ भंजीदड़ 8 हैं वजू 28 नंबर सवाल है वजू जहाँ मकरू घना वजू जहाँ 9 मकरू हैं सवाल नंबर 29 गुसल जहाँ घना किस्म गुसल जहाँ 5 किस्म सवाल नंबर 30 गुसल जहाँ घना फर्ज हैं जवाब है तो गुसल जहाँ 3 फर्ज हैं गुसल जो घणी सूरतू हैं सवाल नंबर 31 है गुसल जो घणी सूरतू हैं गुसल जो 5 सूरतू हैं सवाल नंबर 32 है पंजन वक्त की फर्ज का अलावा भी कड़ी नमाजू हैं पंज वक्त फर्ज आए पढ़ी हैं पर उन्हीं का बाद में कड़ी कड़ी नमाज हैं पहले नंबर से तहजुद इशराक चाश्त अवाबीन तैयतुल विजू तैयतुल मस्जिद नमाज तस्बी नमाज जनाजा नमाज इस्तखारा नमाज इस्तखार नमाज कसूफ खसूफ नमाज हाजत नमाज कमर वगैरह सवाल नंबर 33 है वितर की नमाज में घणी रकातू हैं कदें पढ़ी वेंदा वितर की नमाज में 3 रकातू वाजिब हैं जेका इशा जे पढ़ी वेंदी है सवाल नंबर 34 तो वितर में कैदी दुआ पढ़ी वेंदी है वितर में दुआए कनूत पढ़ी वेंदी है सवाल नंबर 35 है सुनत मुकदा में केतर रकातू हैं बरकातू फजर फर्ज का अग में नमाज जोहर जुमे में 4 रकातू फर्ज का पेरों बे रकातू जोहर के वक्त फर्ज का बाद 4 रकातू फर्ज जुमे का मगरब के फर्ज का बरकातू ब रकातू ईशा के फर्ज का बाद में रमजान शरीफ में तरावी जो नमाजू सुनत मौकदा हैं गैर मौकदा सुनतू केतर असर की नमाज का 36 नंबर सवाल है गैर मौकदा सुनतू केतर असर की नमाज का पे 4 रकातू जुमे की नमाज में सुनत मौकदा का ब रकातू ईशा के वक्त वितर का ब रकातू वगैरह सवाल नंबर 37 इंपॉर्टेंट सवाल है ज़कात की माना है ज़कात की लफ्जी माना है वधण पाक थियण इस्तलाही माना है माल जो उहो हिस्सो उहो जेको निसाब ते साल गुज़रण बाद साहिब निसाब जो शरीयत जो मुकर कयल हिस्सो हक़दारनि खे अदा करण सवाल नंबर 38 सवाल 38 नंबर सवाल है तो ज़कात इस्लाम जो कड़ो नंबर रुकन है जवाब है तो ज़कात इस्लाम जो 4 नंबर रुकन है 39 नंबर ज़कात कड़ी शयन से अदा करना फर्ज है जवाब है जमीन सोन चांदी तजारती माल से ज़कात जो फर्ज कर अदा करना फर्ज है सवाल नंबर 40 है ज़कात दियण जो कंहिंखे हुकुम आहे या ज़कात जो मुतारिफ़ केरु आहे फ़क़ीर मिस्कीन आमलीन अज़ीज़ ग़ुलाम जी आज़ादी कर्ज़ फ़ी सबीलिल्लाह मुसाफ़िर इन्हनि ते जेको आहे सो त ज़कात ॾियणु फ़र्ज़ु आहे।
सवाल नंबर 41 निसाब ज़कात छा आहे नकदी या सरमाए जी ॿियनि सूरतनि में 52.5 तोला चांदी जी मालियत जे बराबरि सोन ऐं सोना ज़ेवर 7.5 तोला चांदी 52 तोला तिजारती माल जेको 52 तोला चांदी जी क़ीमत जेतिरो जानवर उठ 5 अदद हुजनि गऊं 30 अदद हुजनि रिढूं 40 अदद हुजनि इन्हनि ते चांद ज़कात फ़र्ज़ु आहे जंहिं वटि सोना सोन 7.5 तोला चांदी 52.5 तोला तिजारती माल जेको 52.5 तोला चांदी जे क़ीमत जेतिरो हुजे जानवर उठ हुजनि त 5 अदद हुजनि गऊं 30 अदद रिढूं 40 अदद सवाल आहे त 42 नंबर सवाल आहे रोज़े जा केतिरा क़िस्म आहिनि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रोज़ा फास्टिंग देर आर 3 टाइप्स ऑफ फास्टिंग फर्ज नफिल वाजिब सवाल नंबर 43 आहे रोज़े जी माना छा आहे वाट इज़ द मीनिंग ऑफ फास्टिंग रोज़े जी माना छा आहे रोज़े खे अरबी में सौम छॾिबो आहे रोज़े खे अरबी में सौम चइबो आहे जंहिंजी माना आहे बंदि रहणु रोज़े में खाइण पीअण जमा खां बंदि रहणु सुबुह सादिब खां सिजु लहण ताईं रोज़ा कॾहिं फ़र्ज़ु थिया सवाल आहे इम्पॉर्टेंट सवाल आहे सवाल नंबर 44 इम्पॉर्टेंट सवाल आहे रोज़ा कॾहिं फ़र्ज़ु थिया रोज़ा ॿ हिजरी में फ़र्ज़ु थिया रोज़ा ॿ हिजरी फ़र्ज़ु आहे रोज़ा कॾहिं फ़र्ज़ु थिया रोज़ा ॿ हिजरी में फ़र्ज़ु छा सवाल आहे त 45 नंबर सवाल आहे रोज़ा कहिड़े महीने फ़र्ज़ु थिया रोज़ा रमज़ान शरीफ़ जे महीने में फ़र्ज़ु आहिनि सवाल नंबर 46 आहे हज जी माना छा आहे हज इस्लाम जा बुनियादी रुकननि मां आहे हज जी लफ़्ज़ी माना आहे ज़ियारत जो इरादो करणु कंहिं वटि बार बार वञणु हज जी माना आहे कंहिं ज़ियारत जो इरादो करणु कंहिं वटि बार बार वञणु हज जी कहिड़ा आयाम आहिनि हज जा कहिड़ा आयाम आहिनि हज जा ॾींहं ज़ुल्हज महीने जे 8-13 तारीख़ ताईं ज़ुल्हज जा ॾींहं आहिनि हज कॾहिं फ़र्ज़ु थियो 48 नंबर सवाल आहे हज कॾहिं फ़र्ज़ु थियो हज 9 हिजरी में फ़र्ज़ु थियो हज 9 हिजरी फ़र्ज़ु थियो 49 नंबर सवाल आहे इम्पॉर्टेंट सवाल आहे हज जा कहिड़ा फ़र्ज़ आहिनि हज जा फ़र्ज़ आहिनि इहराम पाइणु वुकूफ़ अरफात तवाफ़ ज़ियारत नियत इहे सभु अहराम जा फ़र्ज़ आहिनि हज जा फ़र्ज़ आहिनि सवाल 50 आख़िरी सवाल वरी सुभाणे पढ़ंदासीं या छा राति टाइम मिलियो त वरी पढ़ंदासीं मीकात हज जा वाजिबु बयानु कयो वाजिबु मीकात खां इहराम ॿधणु सफ़ा व मरवा ॾांहुं हिजारा वञणु अरफात खां वापसी ते इमाम जी इमादत करणु मुज़दलफ़ा में क़याम करणु मगरब ऐं ईशा जी निमाज़ मुज़दलफ़ा में अची पढ़णु 10 तारीख़ ते जुमरा अल अक़बा ते 11-12-13 तारीख़ ते टिनी जमरनि ते पथरियूं उछलाइणु मथो कूड़ाइणु क़ुर्बानी करणु सॼे पासे खां तवाफ़ु करणु तवाफ़ खां पोइ निमाज़ पढ़णु अॼु जा 50 सवाल पूरा थिया महिरबानी करे वाप कयो इनशाला वारो फ़ाइदो थींदो ऐं सपोर्ट कयो थैंक यू थैंक यू